नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डियर सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ की हम जैसे कि बैक टू बैक क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 13 जो है, इसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो है सर्वांग समता तथा समरूपता, इसके बारे में देखेंगे। और ये हमारी आखिरी जो है वो क्लास होगी, क्योंकि स्टार्टिंग ए से लेकर जेड तक, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारी चीजें हमने मैथ सेकेंड सेमेस्टर की ऑलरेडी करा दी हैं। नहीं देखी आपने तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एक एक प्रश्न कठिन से लेकर सरल तक सब मैंने कराया है, तो पेपर से पहले अवश्य देख कर जाइएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी जो भी आपके पेपर में प्रश्न आए, उन सबको भी मैंने शामिल जो है वो किया है। तो चलिए आज हम देखेंगे सर्वांग समता तथा समरूपता। इससे पहले हमने क्लास नंबर 12 देखी थी, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सर्वांग समता है ये आखिर होती क्या, या हम इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, पर आपको पता होना चाहिए। आप इसको तीन तरीके से तोड़ेंगे तो एक आपका सर्व वर्ड आ जाएगा, एक आपका अंग वर्ड आ जाएगा और एक आपका सम वर्ड आ जाएगा। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, सभी अंग बराबर। तो और हम ज्यादा इसको अगर इजी कहें तो दो चित्र यदि आपके आकार में, जैसे मैं एक ये चित्र बना देता हूं और एक और इसी प्रकार से चित्र बना देता हूं, तो मैं आपसे क्या कहूं कि दो चित्र यदि आकार प्रकार यानी कि शेप और साइज में, शेप और साइज में समान है तो वे क्या कहलाएंगे, परस्पर सर्वांगसम कहलाएंगे। और ये भी इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वे अलग अलग स्थान पर हैं या अलग अलग स्थिति में जो है वो हो सकते हैं, पर मेन आप यही कह सकते हैं सर्वांग समता को। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ये वाली इसकी भुजा है, जैसे कि हम इसको लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी ये 4.5 सेंटीमीटर होगी। यही चीज है, हम ये वाली 4 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, और यदि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब क्या है कि जब दो चित्रों के सभी अंग एक दूसरे के बराबर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। अब समरूपता की बात करते हैं, तो समरूपता को हम क्या कह सकते हैं, सम प्लस रूप प्लस ता। यानी कि जब दो चित्र आपके जो हैं वो देखने में तो आप कह सकते हैं एक जैसे हो, जैसे मैं आपको चित्र यहां पर बनाऊं, एक आपका इस टाइप से बनाऊं और एक आपका कुछ छोटा थोड़ा सा साइज में बना लेते हैं, तो हम क्या कहें कि देखने में तो एक जैसे हैं, पर इनके सभी अंग बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इन त्रिभुजों को आप क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। अब आप समझ रहे हैं सर्वांगसम और समरूपता में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि आप यहाँ पर एंगल भी बराबर रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ का कहूँ आपका 75 डिग्री या 45 डिग्री कितना भी हम ले लेते हैं, तो जैसे 45 डिग्री ले रहे हैं, वैसे है तो 90 डिग्री, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपका 45 ही डिग्री होगा। मतलब कहने का मतलब है कि देखने में तो आपके एक जैसे हो परंतु उनके सभी अंग बराबर हो ऐसा जो है वो जरूरी नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है वो हमेशा समरूप भी होता है, परंतु एक समरूप त्रिभुज की यदि बात करें तो वो हमेशा सर्वांगसम नहीं होता है। ये चीज मैंने बेसिक एकदम आपको बता दी। इसके अलावा आपका जो सर्वांगसमता है उसको दूसरे तरीके से भी डिवाइड मतलब परिभाषित किया जाता है। जैसे कि ये त्रिभुज बना है और दूसरा कोई और त्रिभुज अलग बना हो, तो मैं ये कहूँ आपसे कि यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक ले, इसी पर मैं दूसरा त्रिभुज रख लूँ तो पूरी तरीके से इस पर ओवरलैप हो जाए, तो उसे भी हम सर्वांगसमता त्रिभुज की जो है वो कहते हैं। रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें तीन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि उनके संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए, दूसरा आपका उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होनी चाहिए, और तीसरा आपका उनके जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर होना चाहिए। सबसे पहला संगत कोण, दूसरा संगत भुजाएं और तीसरा क्षेत्रफल, ये आपका सर्वांगसमता त्रिभुज होने की जो है वो नॉर्मल सी जो है आपकी शर्तें होती हैं। ये तो आपका ऐसे मैंने नॉर्मल बता दिया, पर जब आप प्रश्न करते हैं तो वहां पर आपको ज्यामिति के अनुसार देखना होता है। तो ज्यामिति के अनुसार यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कोण भुजा कोण,
ये आपका सर्वांग समता का नियम होता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि कोई दो त्रिभुज हैं, ये सर्वांग सम तब होंगे यदि एक त्रिभुज के आपके दो कोण जो है वो और उसके नजदीक वाली एक भुजा क्रमशः दूसरा त्रिभुज जो है उसके दो कोण और उसकी नजदीक भुजा के बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, यदि एक ये दो त्रिभुज बने, इसमें दो एंगल आपके आपस में बराबर हो गए दूसरे वाले त्रिभुज से, और एक भुजा जैसे ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 5 सेंटीमीटर आपने प्रूव कर दी, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका त्रिभुज एक सर्वांग समता या सर्वांग समता की शर्त को पूरा करता है। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा नियम है उसके बारे में। तो दूसरा नियम आपका होता है भुजा कोण भुजा, ये आपका दूसरा सर्वांग समता का नियम होता है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे उसमें दो कोण और एक भुजा बराबर होती थी, यहां पर दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो आपका जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम प्रूव हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो ऐसे दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम जो है वो होते हैं। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा होता है आपका समकोण कर्ण भुजा, ये आपका तीसरा नियम हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और जो कर्ण है वो क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के बराबर हो जाए। तो यही तीनों चीजें लिखी हुई है, कर्ण और भुजा और समकोण, तो इसी पर बेस्ड आपका सर्वांग सम जो है आपका प्रूफ हो जाएगा। और इसी प्रकार हम बात करते हैं चौथे की, तो चौथा आप क्या कहेंगे, चौथा होता है आपका भुजा भुजा भुजा, तीनों में आपका भुजा होता है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो वो दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होते हैं। तो ये आपके मुख्यतः नियम होते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में इन पर बेस्ड जो प्रश्न आए हैं उनकी बात जो है वो करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, सारी चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था कि चित्र में रेखा, पहले चित्र हम बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से था इसमें ऊपर वाला जो बिंदु है ये आपका सी है, और इसी प्रकार नीचे वाला जो बिंदु है ये आपका बी है, ये थोड़ी सी रेखा आगे तक बढ़ी हुई है एक्स तक, यहां पर जहां मिलनी है ये डी है, और ये जो है आपका ए है। प्रश्न में लिखा है कि रेखा या चित्र में रेखा ए एक्स, ए यहाँ है एक्स यहाँ है, ए एक्स जो है वो एंगल सी ए बी और बी डी सी को समद्विभाजित करती है, और चित्र आपको बना जो है वो प्रश्न में मिला था क्योंकि चित्र में वर्ड यूज किया गया है, समद्विभाजित करती है। कौन कौन सी, सी ए बी एंगल, देखिए कौन सा है, ये वाला सी ए और बी, ये वाला और साथ में बी डी सी, यानी बी डी सी, ये जो बीच में आपका ए एक्स है ये इसको दो बराबर भागों में काटती है, ये प्रश्न में लिखा गया है। ये और फिर बाद में लिखा है कि इन जो तथ्य हैं इनको आपको लिखना भी है, लिखा है उसमें कि इन तथ्यों को लिखिए, और यह सिद्ध भी करना है आपको कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम इस प्रकार से चिन्ह बनता है बराबर के ऊपर, इस प्रकार से आपको चिरैया उड़ा देनी है, एंगल ए सी डी, एंगल नहीं ये आपका त्रिभुज है, जब आप एंगल को दर्शाते हैं कोण को दर्शाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, जब पूरे त्रिभुज को दर्शाते हैं तो आप इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज प्रूव करना है कि जो ए बी डी त्रिभुज है, ए बी डी नीचे वाला और ए सी डी जो ऊपर वाला, ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। तो जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना है और
वो तीन चीजें आप यदि यहाँ पर बता ले जाते हैं कि जैसे मैंने भुजा भुजा बताया था, तीन भुजा आपस में बराबर आपने दिखा दी, तो आपका त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था डीएलएड के 2016 के पेपर में। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, प्रश्न में लिखा है कि सारी चीजें लिखी है, तो आप पहला तथ्य ये लिखेंगे कि जो आपका ए डी है, जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है, ये इसी ए डी के बराबर होगी, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है, ए ऊपर वाला जो आपका त्रिभुज बन रहा है उसके लिए भी, नीचे वाला जो बन रहा है वो इसके लिए भी। तो आप क्या पहले लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे कि जो सी ए डी है, ऊपर वाला जो त्रिभुज है सी ए डी, ये बराबर होगा किसके, नीचे वाले के, यानी कि एंगल बी ए डी के, बी ए डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि जो ए एक्स है ये दो बराबर भागों में काटती है, समद्विभाजित करती है, इसलिए ये आपके दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी ए डी के। तीसरा आपका क्या आएगा, देखिए आपने एक क्या किया, एक आपने भुजा को बराबर दिखा दिया, एक एंगल को बराबर दिखा दिया, अब एक और एंगल को दिखाएंगे, तो एक तीसरा एंगल यहाँ पर क्या होगा, सी डी ए वाला, सी डी ए, जब इधर वाला आप एंगल दिखा रहे हैं इसके बराबर, तो इधर वाला भी तो आप दिखाएंगे इसके बराबर, तो अब क्या लिखेंगे, सी उसके बाद डी उसके बाद ए, और फिर यहीं से लेंगे तो बी डी ए, तो ये वाले एंगल भी इधर वाले हो जाएंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, सी डी ए बराबर है एंगल बी डी ए के, और बराबर क्यों है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। बस अब आप पहले वाला देखिए, ये है आपकी भुजा, दूसरा वाला है कोण, तीसरा वाला है कोण। तो मैंने आपको सर्वांगसमता का नियम क्या बताया था, कोण भुजा कोण, इससे आपका जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम जो है वो प्रूफ होता है। आप लिख देंगे सर्वांगसमता इसके आगे, या कोण भुजा कोण जो है, या दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। बस आपको ये भी याद रखना है कि इनका सीरियल क्या है, ऐसा ना हो कि आप दो भुजा को किनारे कर दे रहे हैं कोण को बीच में, क्योंकि नियम है तो इसी सीरियल से आप लिखेंगे। जैसे मैंने और भी बताया था, तो भुजा कोण भुजा था, तो उसको भुजा कोण भुजा की ही तरह जो है वो लिखेंगे। ये प्रश्न आपका आया था 2016 में। देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न, जो कि 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें जो है वो पूछा गया था। चित्र सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से था, तिरछा ज्यादा लाइन है, इस प्रकार से आपका जो है वो चित्र था। इसमें सारी वैल्यू, जैसे ऊपर आपका ए हो जाएगा, नीचे आपका बी हो जाएगा, इधर आपका सी हो जाएगा, अंदर वाला जो त्रिभुज है वो आपका पी क्यू आर हो जाएगा। अब मान बी सी जो है इसका दे रखा है 3 सेंटीमीटर, साइड वाला जो है इसका मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इधर साइड वाला आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, और अंदर वाला जो त्रिभुज है उसके नीचे वाली जो भुजा है उसका मान है 1.5 सेंटीमीटर। तो इतनी भुजाओं का आपको मान दे रखा है और शेष भुजाओं का मान आपको बताना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपके समरूप हैं। तो आपको जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसकी शेष भुजाएं जो है वो ज्ञात करनी है, ये आपका जो है वो प्रश्न है। आई थिंक ये प्रश्न मैंने आपको शायद पहले कराया है, मुझे याद नहीं, पर एक बार मैं ही आपको प्रश्न करा चुका हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका त्रिभुज समरूप लिखा है, समरूपता को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप उसी तरफ वाली जो भुजा है उसी को लेंगे। जैसे कि इधर वाली ए बी है, तो अंदर भी वही वाली साइड की जो भुजा है उसके सामने रखेंगे। जैसे कि हम इस प्रकार से त्रिभुज को देखें, तो इधर वाली अगर एक बार भुजा लें और उसके बाद नीचे वाली भुजा लें एक बार, तो इनको आप बटे में रखेंगे। सेम फिर यही अंदर वाले में भी इधर वाली और नीचे वाली ही आप रखेंगे। तो मैं आपको रख के बताता हूँ कैसे मैं यहाँ पर रखूंगा, ए बी बटे बी सी, बाहर वाला त्रिभुज है ये बराबर होगा किसके, अंदर ही वाले त्रिभुज
जो पी क्यू है और बटे क्यू आर है, क्योंकि आपका त्रिभुज समरूप कह रहा है, तो उसके लिए ये इस टाइप से बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मान आप रख देंगे, ए बी का मान रखेंगे, तो आपका दे रखा है कितना, एक काम हम करते हैं, अच्छा इसको एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, ए बी का मान आपका देखिए दे रखा है तो 2, बी सी का मान आपको दे रखा है 3, बराबर है, पी क्यू का मान आपको जो है वो दे नहीं रखा है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू ही रख दीजिए, और क्यू आर का मान आपको 1.5 दे रखा है, तो क्या आप पी क्यू का यहाँ से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तिरिया गुणा कर दीजिए, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और बटे में 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ से आपका आएगा पी क्यू बराबर 3/3, और पी क्यू का मान यहाँ सर 1 जो है वो निकल कर आ जाएगा, और एक किसमें सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि बाकी देखिए सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। अब इधर वाली जैसे हमने वैल्यू ली है, सेम अब उस साइड वाला भी लेंगे जो एसी वाला है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एसी बटे बीसी बराबर पी आर बटे क्यू आर, जैसे इस साइड वाली लिए थी वैसे इस साइड वाली। अब एसी का मान एसी रख दीजिए, एसी का मान दे रखा है 2.8, बटे में आपका बीसी का मान, बीसी का मान दे रखा है 3, बराबर पी आर का मान आपको निकालना है, और बटे में आपका क्यू आर का मान ऑलरेडी 1.5 दे रखा है। अब आप इसको गुणा कर देंगे त्रियक, तो 1.5 को 2.8 से गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे, तो आपका पी आर की वैल्यू यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.4 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो यही दोनों आपसे यहाँ पर पूछे भी गए थे, आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं, जो स्टार्टिंग में मैंने सर्वांग समता के नियम बताए थे उसमें एक समकोण वाला भी बताया था, पर आपसे जब डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें बताइए, तो आप 3 ही मोस्टली लिखते हैं, कौन कौन सी, कोण, भुजा, कोण, फिर इसी प्रकार कोण नहीं, फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पे लिखेंगे भुजा कोण, उसके बाद फिर भुजा, और तीसरे नंबर पे लिखते हैं भुजा भुजा भुजा, यही आपके 3 शर्तें जो है वो ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता में आपको देखने को मिलती हैं। तीसरी वाली तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, तीनों में ही भुजा है, मेन आपको ऊपर की ही दोनों जो है वो याद रखनी है, जिसमें आप देखेंगे तो कोण भुजा कोण है, अब यहाँ पर 2 बार के आ रहा था, बीच में भी है, यहाँ पर 2 बार भी आ रहा है, बीच में के है, इतना सा अंतर है, बाकी इसको याद करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, एक बार आप ध्यान से अगर इसे देखेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया था डीएलएड के 2017 के पेपर में। तो सबसे पहले उसमें लिखा था त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, इसमें आपको वैल्यू लिखी थी, चित्र नहीं बना कर दिया गया था, वैल्यू लिखी गई थी कि त्रिभुज में एबी जो है इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं चलिए चित्र ही बनाकर दिखा देता हूं, इस प्रकार से आप एक त्रिभुज बनाएंगे और इसी प्रकार से आप दूसरा त्रिभुज चलिए बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एक त्रिभुज जो है इसकी माप आपकी मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, यहां पर पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर। अब ए बी की वैल्यू प्रश्न में आपको 3.5 जो है वो सेंटीमीटर दे रखी थी, बी सी की वैल्यू प्रश्न में आपको 7.1 सेंटीमीटर दे रखी थी, ए सी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी थी, पी क्यू की वैल्यू आपको प्रश्न में 7.1 सेंटीमीटर दे रखी थी, क्यू आर की वैल्यू आपको प्रश्न में 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, और पी आर की वैल्यू भी आपको प्रश्न में 3.5 सेंटीमीटर दे रखी थी, और लिखा था प्रश्न में कि दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। तो आपको पहले इस प्रकार से चित्र बनाना होगा, सारी चीजें दर्शानी होंगी। एक चीज का अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो जो भुजा बड़ी है उसको मैंने बड़ी ही स्थान पर रखा है, जैसे इस पहले वाले त्रिभुज में कर्ण आपकी लंबाई ज्यादा होती है, तो देखिए 7.1 जो है उसको मैंने कर्ण की जगह रखा है, तो इस चीज को भी चित्र बनाते समय ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में आपको सर्वांग समता जो है इसमें बतानी है कि त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए बी जो नीचे वाली भुजा है इसके बराबर कोई भुजा है, तो आप देखेंगे 3.5 ये है, पी आर भी 3.5 है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ए बी जो है
वो बराबर है पी आर के। ये आपका एक क्या प्रूफ हो गया, भुजा प्रूफ हो गई। फिर दूसरी चीज देखिए, कोई और बराबर है इसमें, तो ये आपकी जो 5 सेंटीमीटर वाली है वो उसके बराबर है, यानी ए सी बराबर है क्यू आर के। तो आप फिर दूसरे नंबर पे क्या लिख देंगे कि ए सी बराबर है क्यू आर के। ये आपकी देखिए दूसरी भुजा प्रूफ हो गई। फिर आप देखेंगे 7.1 वाली भी बराबर है, यानी कि जो बी सी है वो पी क्यू के बराबर है, यानी आप क्या लिखेंगे बी सी बराबर है पी क्यू के। तो ये आपकी तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। अब आप जानते हैं क्या मैंने आपको बताया था, भुजा 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 यानी कि नहीं दो त्रिभुज की यदि तीन भुजाएं आपकी इस प्रकार से आप बराबर कर देते हैं या दे रखी हैं, तो वो दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम जो है वो प्रूफ हो जाते हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है बराबर के ऊपर इस टाइप से, और किसके बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम से जो है ये प्रूफ होता है। ये बराबर ना यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये सर्वांगसम का चिन्ह आपको लगाना है, क्योंकि त्रिभुज की सर्वांगसमता का ही परीक्षण आपको देना था। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था डीएलएड जो है उसके 2017 के पेपर में। देखिए प्रीवियस ईयर सारे पेपर मैंने कराए हैं 2015 से लेकर के 2019 तक के, इसमें शायद 2018 का आपका पेपर नहीं हुआ था तो वो नहीं है, बाकी सभी साल के आपके पेपर हैं। और पूरा कोर्स भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं सभी सब्जेक्ट का, फास्ट रिवीजन से लेकर एमसीक्यू वन लाइनर, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न जिसमें सर्वांगसमता आपको बतानी है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार लिखा था कि यदि किसी त्रिभुज जो है वो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में उनकी जो भुजाएं हैं वो आपको क्रमशः दे रखी हैं, कितनी कितनी ए बी दे रखी है, ए बी आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसके अलावा बी सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सी ए दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपको इसी प्रकार, अब यहाँ ए बी बी सी सी ए खत्म हो गया, अब यहाँ से दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है, पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको बताना है कि जो त्रिभुज है वो आपका समरूप है या नहीं है, समरूप है या नहीं, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब समरूपता के लिए क्या होता है, आपकी भुजाएं ही दे रखी हैं, एंगल तो दे नहीं रखा है, तो भुजाओं को आप देखेंगे कि क्या तीनों किसी के बराबर हैं। तो सबसे पहले लाइन से आप रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी, यही सीरियल है आपका, तो इसी सीरियल से रख लीजिए। अब ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, पी क्यू की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू 5 है, क्यू आर की वैल्यू 8 है और सी ए की वैल्यू 4 है, आर पी की वैल्यू 6 है, सभी मान रख लिए। अब क्या बताइए, 3/7 5/8 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं है, तो बराबर को इस प्रकार से काट दीजिए। सेम चीज इसमें भी नहीं है तो बराबर को इस प्रकार से काट दीजिए, और जब बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर आपके समरूप नहीं है। प्रश्न में यही पूछा गया था, समरूप है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप नहीं है। तो सारे टाइप के प्रश्न देख लिए, एक लास्ट प्रश्न हम और देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, फिर हमारा हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, जहां तक कि क्योंकि सभी कोर्स को हमको साथ में लेकर चलना है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न या लास्ट प्रश्न आप कह सकते हैं कि चित्र बनाकर समझाते हैं तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आपका एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में जो आपकी ये वैल्यू है ऊपर वाली वो 88 डिग्री दे रखी है, ये आपकी लाइन खींची हुई है, यहां पर जो एंगल है ये 30 डिग्री दे रखा है, ऊपर वाला जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका एम एन है, इतना चित्र है आपका। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो एम एन है, जो बीच में आप लाइन देख पा रहे हैं,
वो इस BC के समांतर है। समांतर मतलब क्या है? पैरेलल। मैंने आपको बताया था समांतर जो है क्या होता है, त्रिभुज जो ABC है इसके जो बाकी बचे कोण है यानी कि B वाला कोण और C वाला कोण, उसकी आपको माप बतानी है। बात समझ रहे प्रश्न में? प्रश्न में इतना कह रहा है कि MN जो है वो BC के समांतर है और ABC के त्रिभुज के बाकी जो कोण हैं उनकी माप बताइए, और ये भी बताइए कि क्या त्रिभुज आपका ABC और त्रिभुज AMN कौन कौन से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN ये आपस में समरूप हैं, ये आपसे प्रश्न पूरा पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, आपके कंसेप्ट और एक्स्ट्रा क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप MN और BC जो पैरलर हैं समांतर हैं उनको इस प्रकार से दर्शाएंगे। MN पैरलर के लिए इस प्रकार से दो खड़ी लकीरें आप खींचते हैं, और पैरलर किसके, BC के। और उसके साथ आप ये भी कहेंगे कि जो आपकी AB रेखा है वो इन्हें काटती भी है, तो आपके एंगल बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? आपका एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल AMN के, और कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो 30 दे रखा था, नीचे वाला भी आपका ये 30 हो जाएगा। इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पैरेलल लाइन इसी के है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो नीचे भी एंगल होगा। अब आपको ऊपर वाला 88 पता है, ये 30 पता चल गया, इस ABC की मैं बात कर रहा हूँ, ये 88 पता है, ये 30 पता है, तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, एंगल A+B+ या प्लस ही चलिए मानिए, प्लस सी बराबर 180। अब यहाँ पर A का मान आपका 88, B का मान आपका 30, C आपको निकालना है 180। C का मान निकालेंगे तो 180 में से 88 और 30 दोनों का जोड़ घटा देंगे, 118 होगा। 180 में से 18 घटाएंगे तो 62 आपका डिग्री जो है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ से किसका मान निकल कर आ गया, C का मान निकल कर आ गया, ये मान आपका कितना निकल कर आ गया, 60 डिग्री निकल कर आ गया। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या पूछा गया था, त्रिभुज की एक त्रिभुज जो ABC है इसकी अन्य भुजाएं बताई, तो दोनों हमने निकाल ली। दूसरी कंडीशन क्या पूछी गई थी कि त्रिभुज ABC और AMN क्या आपके समरूप हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 30 30 डिग्री वाला एंगल भी बराबर हो रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो दो कोण बराबर ही होगा, ये पैरेलल आपको ऑलरेडी दे रखी थी, तो दो कोण और एक भुजा से आपका क्या बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाएंगे। और जो प्रश्न में आपसे पूछा गया था समरूप, तो समरूप भी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो त्रिभुज है या एक सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है वो हमेशा समरूप भी होता है, परंतु एक समरूप जो त्रिभुज होता है वो हमेशा सर्वांगसम नहीं होता, ऐसा होता है। तो मैंने सर्वांगसम आपको प्रूफ करके बता दिया यानी कि समरूप भी होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है यानी कि जो आंसर जो है वो 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा, सी का मान और जो बी का मान है वो 30 डिग्री। तो सभी टाइप के हमारे प्रश्न समाप्त हुए, एक प्रश्न आपके लिए भी, पर इस टॉपिक से ना पूछ करके, क्योंकि इसमें तो प्रूफ करने वाले हैं, अब आप प्रूफ करके तो आंसर लिखेंगे नहीं, तो मैं आपसे बॉर्ड मास का जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताना है। प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य ऐड हो जाएगा, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलते सबसे रहते हैं। ये प्रश्न मैंने लिख दिया है DLED के 2017 के पेपर में पूछा भी गया था, तो ऑप्शन एक ऑप्शन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, सब लोग अपना उत्तर बताइए, ऑप्शन देख के फिर सब लोग आंसर ही बता देंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बॉड मैथ्स वगैरह सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, और अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और बाकी ये भी सजेशन अवश्य दीजिए कि अगला जो टॉपिक है वो कौन सा स्टार्ट किया जाए, जो MCQ स्टार्ट करें तो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए, वैसे साइंस या सोशल साइंस से ही हम स्टार्ट करेंगे, बाकी अपना सुझाव भी अवश्य दीजिएगा। तो आज वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।